नमस्कार दोस्तों, मैं ज्वाला कमलापुरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड दृष्टि न्यूज। आज हम खरौंधी प्रखंड में आए हुए हैं। यहाँ पर लोकहित अधिकार पार्टी का प्रखंड कमेटी का गठन होना था और हमारे बीच विधानसभा के विधायक प्रत्याशी, लोकहित अधिकार पार्टी के विधायक प्रत्याशी जयराम पासवान जी हैं। इनसे मिलकर जानते हैं क्या आज जो यह प्रखंड कमेटी का गठन लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहेंगे? अब पार्टी का मेरा जो है आज फर्स्ट दिन बैठक हुई और आप देख रहे होंगे कि हमें आशीर्वाद देने के लिए सैकड़ों की जनता, पिता तुलगार जी और नौजवान उपस्थित हुए और इन्होंने आशा और विश्वास दिलाया कि निश्चित रूप से हम आपके साथ रहेंगे और ये इस बार के चुनाव में विचार के साथ है, किसी दल और पार्टी के साथ नहीं है। इस बार ये लोग विचार और नेता के साथ रहेंगे। और हम जानना चाहते हैं कि अभी आप अपने भाषण के माध्यम से बहुत सारे लोगों को के बीच कटाक्ष किया, उसको क्या कहेंगे? जी, यही प्लान है मेरा। जनता जिस दिन अपना वोट का मत का अधिकार समझ लेगा, भानु प्रताप शाही जैसे लोग मुखिया नहीं बनेंगे, यही सोच है, यही परिवर्तन लाएंगे, यही परिवर्तन ला के दिखाएंगे। मेरा सपना चुनाव जीतना या हारना और विधायक बनना ये सपना नहीं है। सपना मेरा यही है कि मेरा जनता का जिस दिन अधिकार अपना समझ लेंगे, भानु प्रताप शाही जैसे लोग मुखिया बनने के लायक नहीं रहेंगे। ये उद्देश्य और यही सपना और ये विचार लेके जाना चाहते हैं कि अपने वोटों का अधिकार समझिए। जो लोग का मुखिया बनने का औकात नहीं है, वो विधायक बन के घूम रहा है, ये समाज को जागरूक करने निकले हैं, जागरूक करेंगे। या रोजगार को क्षेत्र, रोजगार को लेकर पलायन प्रतिदिन देख रहे हैं कि आप ट्रेन चाहे बस में चाहे टेम्पू में देख रहे हैं कि लगातार पलायन होते जा रहा है, सब लोग बाहर जा रहे हैं। इसको ये बड़े नेताओं से पूछना चाहिए, ये बात वर्तमान के विधायक भानु प्रताप शाही से पूछना चाहिए कि आज आपने घोषणा किया था कि पावर प्लांट लगाएंगे, जो बंद पड़े माइंस है उसको चालू करेंगे, उनकी वाणी में कितना दम है, ये उनसे पूछिए ना कि आपने जो बोला था, घोषणा किया था, वो अब कहाँ तक सक्सेस है, ये बात उनसे पूछिए। आप क्या करिएगा, आपको अगर सीधा फंड है, इसमें मैंने कई बार बोल दिया कि जयराम पासवान विधायक बना तो पावर प्लांट लगाएंगे, नहीं तो राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। सभी नेता को बोलना पड़ेगा चुनाव में, नहीं बोलेंगे जनता वोट नहीं करेगा। सीधा पंडा है, जनता से आह्वान करेंगे, क्षेत्र में जाएंगे, जयराम जीते चाहे हारे वो उसके समीकरण नहीं है, जयराम का एक ही मंशा है, जो भी कैंडिडेट हो अगर जनता का हित चाहते हो तो यही बोल के आओ कि अगर पावर प्लांट नहीं लगा पाए जीते तो राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। काहे को बुड़बक बना रहे हो भैया, काहे को बुड़बक बना रहे हो? 26वें परिसीमन हो रहा है, जनता को हो सकता है झूठ बोल दोगे, लेकिन ये भी बोलो रहोगे तब ना, बोलो तो एक बार, बोलने में क्या जाता है? अगर दम है, सच बोलते हो तो बोलो इस बार कि पर्णांग नहीं लगाएगा। तो बोलते हैं कि हमने रोड का विकास किया, पुल पुलिया चारों बगल दे दिया। ये बताइए कि मुखिया भी चुनाव जीतता है ना, उसके पास फंड 10 लाख आता है कि नहीं आता है, विधायक के पास आता है कि नहीं आता है, सरकार के पास जो बजट होता है, सरकार मांग करती है कि आपके विधानसभा क्षेत्रवाइज पैसा बढ़ता है, बटने के बाद जो है सेंक्शन होता है, विधायक जी से पूछा जाता है कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सा रोड बनाना चाहिए, वो स्वीकृति देते हैं। रोड तो बनना है, चूँकि उस विधानसभा में उतना पैसा भेजना सरकार की मजबूरी रहती है। ये जो आंकड़े जो जनता इस भ्रम में है कि रोड भानु बनवाए हैं, नहीं बनवाए, ये सरकार बनवाया है। भानु का क्षमता आवाज उठाना और कोटा बटना, इतनी ताकत है। आज जो आप देख रहे हैं लगातार कई युवा जो उनका लाश घर पे आ रहा है, इसको आप किस नज़रिया से देख रहे हैं? ये तो बहुत ही गंभीर मामला है, गंभीर विषय है। जब तक इनके लिए रोजगार उपलब्ध नहीं होगा तब तक इसकी समस्या नहीं जाएगी। और निश्चित रूप से ये बार बार बोल रहे हैं, ये बहुत पीड़ादायक है, कोई महीना ऐसा नहीं है जो हमारे क्षेत्र को नौजवानों का लाश नहीं आता है, और उस लाश में जाने के बाद आता है तो भानु जी का कहीं कुछ घोषणा नहीं रहता, उस परिवार को केवल डालडा पहुंचा देना, एक टीना डालडा ले जाओ और कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर भानु जी की इतनी भी रहती कि सैकड़ों लाश आ गया तो विधानसभा में अनशन पर बैठ जाना भैया, अनशन में 2-4 दिन अगर बैठ जाते तो क्या मर जाते क्या? अनशन में बैठे जिस दिन विधायक बैठता पूरे विधानसभा का जनता नहीं बैठता क्या, और उनके बैठने से पूरा राज नहीं बैठता क्या? इससे बड़ा गंभीर मामला उनके पास कोई था क्या? और इस मुद्दा के लिए अनशन पर बैठे होते तो पूरा राज उनको सलामी नहीं करता क्या? तो ढोकसलेबाजनिया तो और क्या है? आपने कहाँ पाल किया कि पावर प्लांट लगाना चाहिए,
कल घोषणाबाजी आपने किया, पावर प्लांट की तो बात चाहे चर्चा नहीं हुआ। एक बीडी रामजी कॉरिडोर का मामला उठाए थे, उसी को तो मामला उठाए और तो कोई विशेष चीज पर चर्चा नहीं किए। पावर प्लांट के हाथ के मुंह से सपना देखे हम कहा एक बार वाणी को सुने कि भानु प्रताप शाही जी ने विधानसभा में बोला कि पावर प्लांट डंगना चाहिए, ऐसा तो नहीं कहीं देखे। अगर दिखाए तो बोलिए, अब पुनः दम है तो बोलिए, झूठा आश्वासन है चाहिए। कई बार बोल चुके हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, जितने नेताएं आ रहे चुनाव में जनता के बीच में, जनता को बरगला नहीं सकते, चूंकि जयराम खड़ा है और जयराम पासवान अगर पावर प्लांट का बात कर रहा है कि अगर जनता ने मुझे एक बार मौका दिया पावर प्लांट लगाऊंगा, यदि नहीं लगा पाया तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, ये सभी नेताओं को बोलना पड़ेगा। और जो नेता ऐसा नहीं बोलता है उसको जनता बहिष्कार करना चाहिए, उसको जनता को बहिष्कार करना चाहिए। इस बार बहिष्कार होगा।